हम तो उसमें ग्राउंड में तीन वो बाहर निकाल दिया, चार राउंड लगाए थे उसमें निकाल दिया यार। आप तीनों गए थे? तीनों गए थे। अच्छा, और कितना टाइम दे रहे हैं भाई वहाँ पे? भाई 5 मिनट भी नहीं दे रहे पूरी। 5 मिनट पूरी नहीं दे रहे? 5 मिनट भी पूरी नहीं दे रहे। 300 का बैच बनाया था और बंदे पकड़े हैं 8 बंदे पकड़े हैं। और हमारे से पहला बैच था 300 का बैच में से 6 बंदे पकड़े थे। अच्छा। और एक में 16 पकड़े हैं। तो आपका बैच कितने का बना था? 300 का। 300 बता दिया। और मतलब डॉक्यूमेंट्स का क्या मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स दसवीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मूल निवास, और एफिडेविट, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड। और आज कितने बच्चे निकले हैं डॉक्यूमेंट्स में बाहर? 50% सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बाहर निकले हैं। और उसके अलावा हाइट में कितने निकले हैं? हाइट के अंदर लगभग पूरी, मतलब जितने बच्चे निकले हैं मैक्सिमम हाइट में और डॉक्यूमेंट्स निकले हैं 5%। अच्छा, हाइट कितनी मांग रहे हैं? 173 मांग रहे हैं। 173 सेंटीमीटर मांग रहे हैं। ऑफिशियल तो 170 सेंटीमीटर है ना। और ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड में कोई कमी नहीं है। ग्राउंड एक नंबर ग्राउंड है। नंगे पांव दौड़ो है, खतरनाक वाला ग्राउंड। आप कौन से ग्राउंड, मतलब कौन से बैच के अंदर थे? फर्स्ट बैच। कितने बच्चे पकड़े आपने बैच में? 280 में 270 में से पकड़े थे हमारे 8 छोरे। 8 लड़के पकड़े थे आपके? मतलब डॉक्यूमेंट्स में रहे या नहीं? हम दौड़ रहे। हां, आप भी गए थे क्या भाई? यही भाई गया था। सही है ग्राउंड, फौजियों का स्वभाव और अंदर ये सब ये वो बंदे बोल रहे हैं भाई। यार को पूछो आप। हां आप बता भाई, आप बताओ। हाइट के अंदर इतने बच्चों को काटे हैं, कम से कम मान लो आप 500 मेरे साथ निकले हैं। ठीक है। मैंने पिछली साल से 2 साल पहले आमेर से कुंडा पास से हाइट सब कुछ पास करके क्लियर पास किया था पूरा पेपर में ही रहा था मात्र। और उससे 2 साल पहले स्टिकर से भी पास करके हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं पास के सबके मेरे पास। यहाँ पे किसमें निकाला है? इसमें हाइट मुड़ा रहे सबको 173 यानी 173 डॉक्यूमेंट। जो टाइमिंग है, टाइमिंग मेरा है ना 4:58 पहुँचाने से जयपुर में कमांडो के। आप यहाँ पे मतलब अभी जो अंदर है पहले डॉक्यूमेंट्सों के अंदर क्या क्या लिया आपका? डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग ले रहे हैं, कम से कम उनको भी निकाल रहे हैं। यानी 100 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे उनमें से 20% ही लिए हैं, बाकी 80% घर गए हैं। 80% साफ बाहर है। आप यार कहते इतनी देर में आके करते ना वीडियो भी बाहर आए थे कम से कम। मात्र 3 बैच पड़े, 1, 2, 3 मात्र। उनमें से भी फर्स्ट वाले में 7 बंदे लिए, सेकंड वाले में 15 बंदे लिए, उसमें फिर थर्ड वाले में 8 बंदे लिए। पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, पूरा फर्जीवाड़ा हम बोल रहे हैं स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा मतलब ग्राउंड वगैरह तो ठीक है मतलब ना, है ना? और अंदर जो फौजियों का व्यवहार वो कैसा है? मतलब वैसे व्यवहार सही है जो हाइटों के अंदर किया गया है ना। अच्छा, उनका जो है ना हेड कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूँ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। 173 हम फाइट किए हुए हमारे को बाहर निकाल। अच्छा, एक बात और भाई, कुछ अभी साथी आए थे वो बता रहे थे, अगर मान लो एक बैच में 300 बच्चे हैं, 8 बच्चे पकड़ लिए, उनमें अगर 2 मान लो जाट हैं तो उसमें से भी एक को ले रहे हैं, ये बात सही है? अभी हुआ है, 8-9 बच्चे लिए थे, उसमें से एक बंदे को पहना के अंदर ले गए, उसको फिर पता नहीं क्या गाड़ी क्लोज करके उसको बाहर फेंके जा और भगा दिए बाहर। मतलब ये चीजें रियलिटी है ना? रियलिटी है, वो ये न्यूज में आनी चाहिए कल। अरे न्यूज में तो आएगी पक्का, एविडेंस मतलब। इसके अलावा कुछ और बात बोलना चाहते हो आप आने वाले भाइयों को? बात तो कुछ ये डॉक्यूमेंट ज्यादातर ये कर रहे हैं कि कम से कम बंदे लिए जाए और बाकी को कुछ में कर करके निकाल दिया जाए। कुछ फौजियों से सुना कि आज के पूरे देश में मात्र 50 बंदे पकड़े जाएंगे। पूरे 50? मात्र 50। मतलब बोला 50 लेकिन 50 भी नहीं हुए। 50 भी नहीं हुए भाई। टोटल 35 बच्चे पकड़े आज पूरे बच्चों में से। 3300 बच्चे थे टोटल आज, 3300 में से टोटल 35 बच्चे पकड़े हैं, यही बात है ना भाई? इसके अलावा कुछ और बात ऐसी है क्या? हम इतने ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई जो एफिडेविट में 50% बच्चे बाहर निकले हैं, ये भी सही बात है? एफिडेविट में भी 3 कागज मांग रहे हैं, ऊपर वाला तो ऐसे बोल रहे हैं ये नीचे लेगा उसके धोने वाले। एफिडेविट में निकले सर सबसे ज्यादा बच्चे, एफिडेविट निकले हैं। तो आने वाले बच्चे वो अपना एफिडेविट पक्का करा के आए। ठीक, और ये जो
मम्मी पापा का जो भी है इशू उसके अंदर जो मम्मी पापा का आधार कार्ड वगैरह मम्मी पापा का आधार कार्ड है वो तो तेरा मम्मी पापा का नाम वगैरह है ना जैसे आधार कार्ड में तो उनका वो सही होना चाहिए और जैसे मिलान जी तो आपने जो 10th या 12th की मार्कशीट हो तो उसके अंदर और आधार कार्ड के अंदर जो मम्मी पापा का नाम सही रहना द बर्निंग स्टडी अभी तो मैं तीसरे नंबर का बैच में था तीसरे अब चौथा या पांचवा चल रहा होगा अंदर या तो कोई पता नहीं अंदर कितने पैसे अंदर तो तीन चौथा पांचवा सत्ता होगा पांचवा इसके भाई इसके अलावा लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो आने वाले भाइयों को आने वाले भाइयों को ये देना चाहता हूँ कि भाई लोगों अपने डॉक्यूमेंट जो बंदा आगे लगेगा ना वो अच्छी तरह कवर कर सकता है पीछे वाला नहीं कर सकता कवर। और बैच जो है वो कितने बजे मतलब एंट्री जो हुई थी ना पहले बैच की हाँ। मतलब अपने बाहर ग्राउंड से अंदर जाने के लिए एंट्री हुई थी वो कितने बजे हुई थी एंट्री तो एक डेढ़ बजे के एक डेढ़ बजे के आसपास थी मैं था ना तीन बजे बढ़ा था तो हाँ। दौड़ हुई थी मेरे पाँच साढ़े पाँच बजे के समथिंग हुई मतलब तीन घंटे के आसपास टाइम लग रहा है अंदर ठीक है भाई एक बैच कितने घंटे में बन के तैयार हो रहा है मतलब आपको लगभग अंदाज से पता होगा।